everyone welcome back to our channel study iq judiciary this is me arjita एंड आज हमारे साथ हैं मिस्टर परवीन कुमार हु इज ऑल्सो एक्स सिविल जज इन डेली जुडिशियल सर्विसेज सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू सर एंड सर के साथ आज ये सेशन हम इसलिए कर रहे हैं फॉर द रीजन बींग सर क्योंकि खुद uh, एक जज रह चुके हैं और अब उन्होंने हमें एज अ फैकल्टी ज्वाइन किया है एंड हर वो स्टूडेंट जो कि जुडिशियल एग्जाम्स की, की तैयारी कर रहा है एक जज बनना चाहता है उन सबके माइंड में सबके दिमाग में एक ये क्यूरियोसिटी ऑफ कोर्स रहती है कि uh, जज बनने के

वैसे तो रूल्स तो आपको ये कहते हैं कि दस बजे अगर कोर्ट स्टार्ट करनी है तो करनी है बट 24 घंटे आपके ऐसे कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है आपको सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है आप जो डिसिप्लिन है वो सेल्फ इम्पोज होता है तो वो वाला पॉइंट है बट पेनल्टी से ज्यादा बड़ी जो चीज मेरे को महसूस होती है टाइमिंग्स टाइमिंग्स को नहीं अडेयर करने के लिए या फिर टाइम पे कोर्ट स्टार्ट ना करने के लिए

ना केवल मुझे पता होते हैं बल्कि आपको भी पता चल सकते हैं कि मेरे पास आज से एक महीने बाद एग्जैक्ट डेट को कौन कौन से केसेस लिस्ट होंगे ठीक है वो सब कुछ होता है वो रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन होता है ऑनलाइन भी मेंटेन होता है आजकल काफी एप्लीकेशंस बेस्ड है तो उसके लिए हाँ वो वाला पॉइंट के कल पता होता है तो क्या आप उसको प्रिपेयर करके जाते हैं तो देखो फाइल्स अगर आपको आज से एक महीने बाद वाले केस की फाइल चाहिए जिसमें आपको कोई लगता है कोई इशू ऐसा है जिसको आपको घर जाके पढ़ने की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली यू कैन आस्क दिस स्टाफ कि आप मेरे को फाइल लाके दो मैं उसको पढ़ना है ठीक है मेरे को उस पर कुछ रिसर्च करनी है तो देट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल बट जनरली हम क्या करते हैं हम जनरली फाइल देखिए जो इनिशियल मेरे स्टार्टिंग के दो चार छः महीने थे तो उनमें तो वोट आई यूज टू डू इज कि मैं एक दिन पहले की सारी फाइल्स को घर लेके जाता था कि कल इनमें क्या प्रोसीडिंग्स होनी है बट बट विद विद टाइम एंड एक्सपीरियंस ये जो घर पे लेके जाने वाला प्रोसीजर है दिस इज अनसस्टेनेबल क्योंकि आप डेली डबल शिफ्ट में काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे फिर कहीं ना कहीं आपकी नेक्स्ट डे की प्रोसीडिंग्स हेम्पर होती है ठीक है तो वो वाला स्टार्टिंग में क्योंकि हमें प्रोसीजर एग्जैक्ट पता नहीं होता हमें जब जुरिस्डिक्शन नया चार्ज मिलता है 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 नई कोर्ट मिलती है, तो उसमें थोड़े टाइम टाइम के लिए दैट इज़ फाइन बट लॉन्ग में ऐसा नहीं लॉन्गर रन long, uh, में हम इतने एक्सपर्ट अपने आप ही हो जाते हैं क्योंकि एक तो मैटर्स रिपीटेड होते हैं ठीक है प्लस आप इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि आप डायस्क पे बैठ के ही उस फाइल को जल्दी से गो थ्रू हो सकते हैं प्लस एडवोकेट्स हैं दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट वो आपको असिस्ट भी करते हैं right. तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट ब्लैंक हो और आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है वो पता चल जाता है और देखने से वो वो चीजें आप इतने उस चीज में इतने वो नब्ज नब्ज देखते ही जैसे डॉक्टर देखते ही बता देता है ना क्या बीमारी है जी। तो वो वही वाला आ, एक आप एक्सपर्टीज आप में डेवलप हो जाती है तो आपको डेली घर लेके जाने की जरूरत नहीं है फाइल्स को ओके। हाँ बट इसमें एक पॉइंट है वो ये है कि सपोज करो कोई आपने ऑर्डर डिक्टेट कराना है नेक्स्ट डे या जजमेंट ही डिक्टेट करानी है तो उस उन केसेस को जनरली आप घर लेके जाते हैं कि नेक्स्ट डे मैंने जजमेंट देनी है तो जजमेंट इज अ लॉन्गर रोड तो ज्यादा ज्यादा लिखना है तो वो हाँ ज्यादा पढ़ना भी पड़ेगा सारी फाइल से गो थ्रू भी होना है वो फाइनल स्टेज पे भी आ गया है तो उस केस में आप उस फाइल को घर लेके जाते हैं और जजमेंट उसकी टाइप या तो करके लेके आते हैं या फिर आगे आप सैनो से भी डिक्टेशन देके टाइप करा सकते हैं वो ऑप्शन है लेकिन उन सिर्फ उन्हीं केसेस में आई फील कि आप घर लेके जाते हैं फाइल्स को अदरवाइज जनरली नहीं ठीक है सो लेट्स से कि सर आप कोर्ट पहुंच गए सो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू डू ओवर देयर तो कोर्ट में सबसे पहले तो आप सेटल होते हो अपने चैंबर में ठीक है प्रॉपर आप यूनिफॉर्म आप सेट करते हो सपोज करो आप घर से आ रहे हैं तो शायद आप ब्लेजर नहीं डाल के आए हैं आपका ब्लेजर चैम्बर में ही रखा है तो हमारे को जैसे मेजिस्ट्रेट uh, को सिविल जजेस को तो टाई प्रेस्क्राइब है तो टाई वगैरह सेट करना और एक प्रोपर अटायर में आना पानी वगैरह पीना देन कोज लिस्ट आप चेक करते हो तो नॉर्मल सा रूटीन है बस अपने आप को सेटल डाउन करना है और एक उसमें मूड uh, में आना है कि आज का काम स्टार्ट करना है कोर्ट तो में आपका किस तरीके का रहता है लाइक एडवोकेट्स हैं हैं लिटिगेंट्स जो है? जी जी तो देखिए लिस्ट पहले से प्रिपेयर्ड तो तो हर केस में क्योंकि हमारे पास एडवर्सरियल सिस्टम है तो दो पार्टीज होंगी दोनों ही पार्टी एटलीस्ट दो पार्टीज होंगी दोनों ही पार्टीज के एडवोकेट्स भी होंगे और इंडिया में हमारे यहाँ ओपन हियरिंग का कॉन्सेप्ट है तो ओपन हियरिंग होती है ठीक है आपके सामने सारे बार के मेंबर्स और सारी पार्टीज बैठे होते हैं तो वो होता है आप इंटरेक्शन अगर एडवोकेट्स से अगर पूछना चाहेंगे तो एडवोकेट्स से इंडिविजुअल एडवोकेट्स के साथ इंटरेक्शन कभी ऊपर नीचे हो सकती है अदरवाइज काइंड ऑफ रिस्पेक्ट गिव एडवोकेट्स गिव यू इट इज अ वेरी वेरी गुड Type of feeling, तो देखिये तो बार इज द मदर ऑफ बेंच ठीक है एंड दिस मदर लाइक ऑल इंडियन मदरस इज वेरी प्रोटेक्टिव ठीक है तो बार जो है इट इज दॉइस ऑफ द जुडिशरी ये जुडिशरी की ना को वॉइस देती है hmm. और देखिए मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये भी है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो प्रिंसिपल है इट मस्ट बी एक्सटेंडेड टू बार आल्सो हमारी बार को भी पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट बट ठीक है वो थोड़ा सीरियस डिस्कशन है और उसमें हम कभी और जाएंगे बट इन यू नो लाइटर सेंस एडवोकेट्स के साथ इंडिविजुअल लेवल पे कभी कभी हंसी मजाक और इस टाइप की चीजें तो होती रहती हैं ठीक है तो शायद मूवीज में थोड़ा एग्जेजरेट करके दिखाते हैं बट

पर झड़प वाला पॉइंट इज द स्कोप इज ऑलवेज अवेलेबल वो कभी भी हो सकता है ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं ही होता है बट अगर लॉयर अनप्रिपेयर्ड आ रहा है आ, या फिर लेट आ रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से आप इरिटेट मतलब एज ए जज मैं तो कभी इन चीजों से इरिटेट नहीं हुआ hmm. ठीक है क्योंकि एट द एंड ऑफ दी आर ऑल आर ह्यूम एंड वी हैव ह्यूमन कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो सेम थिंग एडवोकेट्स ऑल्सो तो ठीक है उन केसेस में फिर इज वे आउट हर चीज का समाधान है तारीख लगा दीजिए आप अगर आपको लगता है कि रिपीटेड बिहेवियर शो हो रहा है या फिर बिना किसी रीजन के के आप ऐसे ही मुंह उठा आ गए हैं तो इन दैट केस यू कैन इम्पोज कोस्ट ऑल्सो की आपने सामने वाली पार्टी का और कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है एंड प्रोसीडिंग्स को आप डिले कर रहे हैं तो आप कोस्ट इम्पोज कर दीजिए पर गुस्सा होने का या फिर अपना टेम्पर लूज करने का तो कोई रीजन है नहीं एंड सर जैसे कि आपने बताया कि uh, जो केसेस चल रहे हैं उनके बारे में तो आप ट्रैक रखते ही है बट वन थिंग इज बड़ आई बिलीव कि एज अ लॉयर एज अ डॉक्टर दो तीन प्रोफेशन हैं जिनके लिए पढ़ना तो कभी खत्म नहीं होता एक्ट exactly. तो अपार्ट फ्रॉम तो जो कोर्ट में चल रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट डेली डू यू स्टडी समथिंग फॉर योर सेल्फ टू कीप अपडेटेड विद द लीगल फील्ड लीगल करेंट अफेयर सो दिस इज वेरी राइट देर इज नो एस्केप फ्रॉम रीडिंग ठीक है तो यू हैव टू कीप अपडेटेड वो तो उसका तो कोई आ, वे आउट है ही नहीं और नॉट ओनली रीडिंग मतलब आप घर जाके आप सिर्फ पढ़ना नहीं है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी हमारी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती है सो डेली जुडिशियल अकेडमी है वो रेगुलर ट्रेनिंग सेशन जजेस की रहते। करवाते रहते हैं ठीक है तो दर्पज इज टू द जजेज ऑल्सो अपडेटेड ठीक है बाकी जो वो पढ़ने वाला जो आप पॉइंट बता रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज को बहुत फॉलो करना पड़ता है न्यूज को यू कैन स्किप क्योंकि कहीं कहीं ना कही न्यूज से आपके दिमाग में बायस ही जनरेट होता है बट लीगल न्यूज थोड़ी बहुत आप फॉलो कर सकते हैं प्लस जो इम्पोर्टेंट लीगल मैटर्स होते हैं जो नया नया लॉ पिक्चर में आता है और खास करके जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को इम्पेक्ट करता है उसके जनरली सर्कुलर्स इशू हो जाते हैं हाईकोर्ट से डायरेक्शन आ जाती है तो वो हमारे पास इन थ्रू प्रॉपर चैनल वो हमारे सामने वैसे ही आ जाती है

ब्लैक इज दी ब्लैक एंड व्हाइट इज द यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब वैसे मेजिस्ट्रेसी uh, में सिविल जजेस में लोअर जुडिशरी में हमारी प्रिस्क्राइब ड्रेस जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है दैट इज ग्रे एंड व्हाइट तो पैंट्स okay. आपकी ग्रे होनी चाहिए एनी शेड ऑफ ग्रे एंड शर्ट्स आपकी व्हाइट होनी चाहिए उसके अलावा द ब्लेजर प्रिस्क्राइब इज ब्लैक ठीक है और सिर्फ सिविल जजेस और मैजिस्ट्रेट्स के लिए ही टाइप्राइब है अदरवाइज एडीजे लेवल पर आप जब पहुंच जाते हैं तो आप बैंड्स डालते By हैं ठीक है बट कमिंग टू दी कलर ब्लैक ठीक है तो इसकी ठीक है इसकी uh, colonial, इसकी कॉलोनियल uh, वो हैं कि हम ब्लैक से क्यों चेंज कर रहे बट मेरा हमेशा क्वेश्चन ये रहता है कि इन एनी केस इट इज द ट्रेडिशन नाउ नंबर वन नंबर टू इफ नॉट ब्लैक देन व्हाट? आपको कोई तो ड्रेस प्रिस्क्राइब करनी ही है ना आप ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि कोई मर्जी मन मन कर रहा है और आपका क्योंकि उससे ना वो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है right. तो आपको कोई तो ड्रेस प्रिस्क्राइब करनी है तो इफ नॉट ब्लैक देन आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे ठीक है तो वो भी एक इशू है चलिए ड्रेस के कलर को छोड़ करके आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात और बोली तो डेफिनेटली ये तो देखिए आप, आप अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे तो पार्लियामेंट के कंपैरिजन में तो स्टेट लेजिस्लेचर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और स्टेट लेजिस्लेचर्स के कंपैरिजन में पंचायत का नहीं है है, वो तो है तो सिमिलरली हाई कोर्ट्स और आ, सुप्रीम कोर्ट्स को अगर कंपेयर करोगे तो आ, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है देर आर डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स तो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स तो हैं उसमें कोई डाउट नहीं है और कई बार वो चीजें आपको इरिटेट भी करती हैं क्योंकि उन कॉन्स्टेंट्स वो ट्रांसलेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं जुडिशियल फंक्शनिंग में बट ओवरऑल दिल्ली का मैं बता सकता हूँ कि सिचुएशन उतनी खराब नहीं है चीजें अच्छी हैं चीजें ठीक हैं, मतलब और इम्प्रूव हो सकती, सकती हैं वो स्कोप तो हमेशा है बट इतनी बेकार नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर देखा जाए तो प्लस आजकल टेक्नोलॉजी पे बहुत पुश है तो आ, डिजिटल कोर्ट्स भी सामने हैं डिजिटल कोर्ट्स वर्किंग में भी हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिजिकल कोर्ट्स Uh, are better, for judges also, ठीक है तो उतनी एफिशिएंसी वर्चुअल में अभी नहीं आ पाती है क्योंकि वर्चुअल में कॉन्स्टेंट्स आपके बढ़ जाते हैं right. ठीक, चीजें करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जो सामने से एक साइन भी आपको कराने हैं उसके लिए आपको पहले uh, पीडीएफ uh, लिटिगेंट uh, को भेजनी पड़ेगी उसको डाउनलोड करना है उस पर साइन करके देन उसको स्कैन करके वापस अपलोड करेगा तो वो आपको फिर मेल करेगा तो एक जो फिजिकल कोर्ट में एक सिंगल साइन से काम हो जाता था उसके लिए एक पूरा रास्ता है विच टेक्स एन आर फॉर अ सिंगल साइन ऑल्सो ऑन अ सिंगल स्टेटमेंट तो ठीक uh, है बट डिजिट डिजिटल कोर्ट से कही कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है पार्टीज की वो घर से भी हो रहा है सारा काम

but uh, because law and judiciary and courts is what they rely on evidence and right. evidence then hmm. you can't uh, you know go by your emotions hmm. even though you can see what is right and wrong so right. has right. this ever happened with you while giving a judgment or order this happens all the time okay take okay. care so uh, judges have to work under some constraints take okay? legal constraints okay. तो उस केस के अंदर डेफिनेटली आपका जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है और पार्टीज की प्लीडिंग्स हैं उसके बेसिस पे ही आप जजमेंट दे सकते हो उसके अलावा कहीं ना कहीं बट डिस्क्रिशन हमेशा रहता है डिस्क्रिशन जब आपको सही में पार्टीज के बिहेवियर से और चीजें ऐसे दिखती हैं जो आपको ओब्वियसली लगता है कि ऐसा है बट उस डिस्क्रिशन को आप जुडिशली ही एक्सरसाइज कर सकते हो ठीक है तो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड के अगर कंप्लीटली वो अगेंस्ट चीजें हैं तो वो आप फिर उसमें आपको यू हैव टू यू नो यू यू फाइंड योर सेल्फ इन सम कॉन्स्टेंट्स ऐसा नहीं है कि आप uh, कुछ भी कर रहे हैं ठीक है ओनली बेस्ड ऑन अपॉन ओनली बेस्ड अपॉन योर ओन इंट्यूशन या फिर ऑन गट फीलिंग ऐसा नहीं होता है तो वो है वो दिस द टाइम यू फेस दिस कॉन्स्टेंट एवरी टाइम इन एवरी सिंगल जजमेंट ऑल्सो समटाइम्स एग्जैक्टली बिकॉज सी होता क्या है कि चार पांच साल के बाद आपके पास वो फाइल है आज जजमेंट के लिए और वो जो है अलग अलग जजेस से होके गुजरी है अलग अलग वकीलों से होके गुजरी है तो जब आपके पास जजमेंट की स्टेज आती है और उसमें आप जजमेंट कर रहे हैं तो यू फाइंड सर्टेन थिंग्स मिसिंग कि ये भी होना चाहिए था hmm. ये भी होना चाहिए था

बोथ द थिंग्स तो यस प्रोसीडिंग्स लंबा खिंच जाती हैं बट पांच बजे मतलब पांच बजे फाइव means फाइव यू सी ठीक है देर इज ऑलवेज दिस ऑप्शन ऑफ एडजर्नमेंट मैंने आपको बताया तारीखें लगाना हाँ. तो अगर किसी भी केस में सपोज आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा खींच रहे हैं तो आपको सी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बट जस्टिस हरिड इज आल्सो जस्टिस डिनाइड आप एक ही दिन में सारा कुछ सुन करके अगर फैसला सुनाने की टेंडेंसी से काम करोगे तो आप एक दिन में एक ही मैटर टेकअप कर पाओगे right. ठीक है तो वो चीज आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा वो बन भी जाता है दैट इज नॉट डिफिकल्ट आप जब प्रैक्टिकली आप करते हैं तो दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू वो हो जाता है और आप जब कुर्सी पे बैठे हैं और आप कुछ प्रोसीडिंग्स आपको लगता है आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं वो बहुत ही एक्सटेंड हो रहे हैं तो आप वहां पे स्टॉप करके उसको आ, कल की अगर बहुत ही अर्जेंट है तो आप डे बाय डे हियरिंग भी कर सकते हो बट ऐसा नहीं है कि पांच मतलब मेरे लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि पांच से ज्यादा हियरिंग्स एक्सटेंड हुई हो ठीक हुँ. है बिकॉज आई सिविल जज मेजिस्ट्रेसी में दिस इज अट डिफिकल्ट सिचुएशन द रीजन इज कि मैजिस्ट्रेट के पास ट्वेंटी फोर सेवन प्रोडक्शन होती है ठीक है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, है. कि अगर कोई भी आ, इंडिया में अरेस्ट हो रहा है तो विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ही प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट तो कई बार रात को भी प्रोडक्शंस आती हैं तो आपको वो ऑर्डर घर से भी करना पड़ता है तो ये पर्सनल लाइफ वाला बैलेंस कहीं ना कहीं वहां पर इशू में आता है सिविल जज इज अ पीसफुल पोस्टिंग तो उस वाले में मैनेज हो जाती है चीजें तो उसमें तो कोई इशू नहीं आता And uh, throughout your journey that you have worked as a judge, what you would say have been some of your life learnings or some things that you have always taken home or some things you have practiced while you were sitting as a judge in the chair. See, uh, there is a saying in judiciary. हमारे जब हम training में थे तो हमें बार-बार ये बात बोली भी जाती थी कि judge की कुर्सी आपको बहुत कुछ सिखाती है। ये सिखाएगी। उस time पे बताते थे कि आप जब कुर्सी पे बैठ जाओगे, तो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कुर्सी अपने आप ही सिखा देती है। एंड विच आई फाउंड टू बी वेरी ट्रू जज की कुर्सी ने मुझे काफी चीजें सिखाई है hmm. uh, कुर्सी पर आप जब बैठते हो तो पीछे एम्बल होता है बट एम्बलम में सिर्फ तीन मुंह ही दिख रहे होते हैं शेर के ठीक है तो चौथा मुंह दिख नहीं रहता है बिकॉज इट इज ऑन दी बैक साइड तो दिस देर इज से जो चौथा hmm, मुंह है शेर का this. वो जज साहब का ही है देर इज दिस से तो इसको कनेक्ट करें कि जज की कुर्सी से आपने क्या सीखा क्या लाइफ लेसन है तो फर्स्ट इज कि आप जब डायस पे बैठे हैं यू नो दिस इज इज राइट एंड दिस तो आपको कोई रोक नहीं सकता है ठीक काम करने से ठीक है दिस इज 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 समथिंग प्रोटेक्टेड बाय हायर इंडिपेंडेंस को लेकर के जो प्रोटेक्शन है उससे कहीं ना कहीं एक फियरलेसनेस लोअर जुडिशरी में भी आती है इसके अलावा कई और वर्चूज हैं जो मैंने सीखी स आई हैेशअरिंग आप देते हैं लोगों को सुनने की टेंडेंसी बढ़ गई है ठीक है तो आप आराम से सुनते हैं उसमें आपको कोई ऐसा फील नहीं होता है अदर थिंग इज इम्पार्शियलिटी जज जिस मूमेंट आप कुर्सी कुर, जज की कुर्सी पे बैठते हैं ना एंड यू हैव दी मैंडेट ऑफ डिसाइडिंग समिंग आपके ऊपर फैसला करने की एक uh, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉट पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, है. है. उस मोमेंट आप रियलाइज करते हो कि एक अपने आप से ना एक अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं इम्पार्शियल ही रहना है आपको बायस होना ही नहीं है इम्पार्शियलिटी और बायसनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड ठीक है आपके दिमाग में है ये सारी चीजें और ये कुर्सी पे आप जैसे ही बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं इसमें दोनों पार्टीज को बिना सुने या फिर मैंने गलत करना ही नहीं है नहीं। वो एक ना अपने आप वो अंदर से फीलिंग आती है एंड नेक्स्ट थिंग इज अस ऑफ जस्टिस विच इज इम्प्लाइड इन इम्पारशलिटी एंड वन मोर थिंग इज कॉन्स्टेंट ठीक है तो लीगल कॉन्स्टेंट्स हैं आप कानून के दायरे से बाहर जाके तो ऐसा अब लोगों की इंप्रेशन है कि कुछ भी कर देते हैं कुछ बट ऐसा दिस इज नॉट द्रू पिक्चर आपके ऊपर लीगल कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्री uh, कॉन्स्टेंट्स हैं प्रोसीजर आपको एक सेट है वो फॉलो करना ही है

दिस इज दिस इज सम एक्सपीरियंस विच इज वर्थ है अगर आपको एक यू नो डायस पे बैठ करके एज ए जज का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है लाइफ में तो दिस इज वर्थ है आपको बोलू आपके दो, दो बेस्ट फ्रेंड्स है एंड दिस इज एन एग्जाम्पल विच आई गिव टू एवरीबडी दो आपके दोस्त हैं वो झगड़ रहे हैं ठीक है और आपको कहूं कि उनका फैसला करा दीजिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिजोल्व वन डिस्प्यूट आपको पता भी है तो ना ये ये बोलना कि भाई नहीं आपकी गलती है बोलने में बहुत एफर्ट लगते हैं ठीक है हाँ, कि नहीं आपकी गलती है या फिर उस डिस्प्यूट को उस झगड़े को सुलझाना बहुत महाभारत है राइट हाँ, right? तो लेकिन आप एक यू नो एज ए जुडिशियल ऑफिसर आर यू रिजोल्व सो मेनी डिस्प्यूट इन सच लिटल टाइम आपका काम एग्जैक्टली काम वही है बट दिस इज एन एक्सपीरियंस कि आपको ना एक यू हैव द गवर्नमेंट ऑथरिटी ऑल्सो आपको स्टेट की बैकिंग है Hmm. कि आप करिए डिसाइड इसको ठीक है एंड यू डू इट यू लर्न हाउ टू डू इट और वो जो एक 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 अच्छी फीलिंग है तो आई आई गेस दिस इज मतलब दिस वाज समथिंग दैट मेरे को तो बहुत ही यू नो आई आई एंजॉयड इट वेरी मच